नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज़ में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। राजकीय पॉलिटेक्निक और ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया के बीच समझौता, मंत्री सुमित सिंह ने कहा वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में छात्रों को किया जाएगा ट्रेंड। बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी जारी रखेगी सरकार, फिर भी चुकाना होगा ज्यादा बिल। पंचायत चुनाव में उतर गई लालू राबड़ी की समधन, नामांकन कराने तेजस्वी के बहन बहनोई भी पहुंचे। बिहार पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी किया नया आदेश, प्रत्याशियों के लिए जानना है जरूरी। उद्घाटन से पहले नल जल योजना की टंकी ध्वस्त, एक की मौत, जेई मुखिया सहित 7 पर मुकदमा दर्ज। 12वीं पास छात्रों को बिहार में सरकारी नौकरी करने का मिल रहा है मौका, हो रही है बम्पर नियुक्ति, ऐसे करें अप्लाई। नवादा जहरीली शराब कांड में आया नया मोड़, माफियाओं के नाम आने लगे सामने, एक और पुलिसकर्मी सस्पेंड। बिहार में सेविका सहायिका करेंगी डोर टू डोर स्क्रीनिंग, दूसरे राज्यों से आने वाले का रखेगी डिटेल। आज ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लगेगा कोरोना का टीका, बिहार में अब तक 2 लाख से अधिक टीकाकरण। 30% संक्रमितों को उल्टी तो 25% में डायरिया के लक्षण, जानिए दूसरी लहर के क्या है लक्षण। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंह की उपस्थिति में राजकीय पॉलिटेक्निक और ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने कहा कि वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में छात्रों को ट्रेंड किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मौके पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और निदेशक भी उपस्थित थे। मंगलवार को जीई ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एचआर हेड एशिया पैसिफिक साजिद इकबाल और डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह प्राचार्य नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 के द्वारा MOU पर हस्ताक्षर किया गया। जीई ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मढ़ौरा में रेल इंजन विनिर्माण का कारखाना PPP के तहत विगत लगभग 3 वर्षों से संचालित है। विदित हो कि सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में उद्योग आधारित मॉक के अनुरूप विभिन्न विधाओं में सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किए जाने का राज्य सरकार का निर्णय है। उक्त के आलोक में ही यह MOU हस्ताक्षरित हुआ है। बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। हालांकि उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई दर से बिजली बिल चुकाना होगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से दिए गए फैसले को नीतीश सरकार ने बरकरार रखा है। सरकार ने फैसला किया है कि बिजली कंपनी जितना अनुदान वित्तीय वर्ष 2020-21 में दे रही थी, उतना ही वित्तीय वर्ष 21-22 में भी देगी। उपभोक्ताओं को अनुदान देने के लिए राज्य सरकार 6,043 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में उपभोक्ताओं को मिलने वाले अनुदान पर मुहर लग गई। सरकार के इस निर्णय के बाद उपभोक्ताओं को 1% से कम यानी मात्र 0.63% ही बिजली बिल में अतिरिक्त खर्च करना होगा। सभी तरह की श्रेणियों को मिला दे तो उपभोक्ताओं को 5 से 35 पैसे तक प्रति यूनिट अधिक की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। हालांकि किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहले की तरह राहत मिलती रहेगी। विनियामक आयोग ने किसानों को 5.55 रुपये प्रति यूनिट बिजली देने पर मोहर लगाई थी। सरकार ने किसानों को 4.85 रुपये प्रति यूनिट अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके बाद किसानों को मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की बिजली बिल देना होगा। 31 मार्च तक किसान 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से खेती में बिजली का उपयोग कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की समधन, पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने उतरी है। बुधवार को जब वे नामांकन करने ब्लॉक ऑफिस पहुंची तो उनके साथ लालू प्रसाद यादव की बेटी और दामाद भी थे। लालू राबड़ी की समधन ब्लॉक प्रमुख पद की दावेदारी के लिए मैदान में उतरी है। लालू राबड़ी की समधन मृदुला यादव ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के सैफई में पंचायत सीट से नामांकन किया। मृदुला यादव लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी यादव की सास है। मृदुला यादव के नामांकन के दौरान राजलक्ष्मी यादव और उनके पति पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव भी मौजूद थे। समर्थकों की भारी भीड़ के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया। मृदुला यादव मुलायम सिंह यादव परिवार की बहू है। वैसे लालू यादव की समधन मृदुला यादव दूसरी बार यह चुनाव लड़ने जा रही है। मृदुला ने सैफई क्षेत्र पंचायत के वार्ड संख्या 20 से अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले मृदुला यादव ने 2015 में भी सैफई से पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव को जीतकर वे बाद में सैफई की ब्लॉक प्रमुख बनी थी। इस दफे भी ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए यह चुनाव लड़ रही है। सैफई ब्लॉक में 1995 से ही मुलायम सिंह यादव के परिवार सदस्य ही ब्लॉक प्रमुख बनता रहा है। सबसे पहले मुलायम सिंह
के भतीजे स्वर्गीय रणवीर सिंह यादव ब्लॉक प्रमुख बने थे। बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन तैयारियां जारी है। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है। पंचायत आम चुनाव को और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी स्तर के आरक्षित पदों को फाइलों से निकालकर सार्वजनिक करने का निर्देश भी सभी जिलों को दिया है। पंचायत आम चुनाव लड़ने वाले मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला पार्षद सदस्य के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भरने के पहले ही सभी स्तर के आरक्षित पदों की जानकारी मिल जाएगी। हाल ही में कैबिनेट द्वारा राज्य में नए नगर निकायों का गठन की मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि जो पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों व ग्राम कचहरी के पदों पर आम निर्वाचन 2021 के विभिन्न पदों को डिजिटाइज कर दिया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित आरक्षित पदों की सूची अभी जिला कार्यालय में और आयोग कार्यालय में संरक्षित है। ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत रोहतास जिले के धूसिया पंचायत के रामनगर गांव में नवनिर्मित पानी की टंकी 2 अप्रैल को ट्रायल के दौरान धराशायी हो गई थी। इस घटना में रामनगर गांव के एक वृद्ध की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए थे। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार को जांच का आदेश दिया था, जिसको लेकर एक टीम गठित की गई थी। जांच की रिपोर्ट आने के बाद जिलाधिकारी ने योजना से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी नोखा को दिया गया है। आदेश में डीएम धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि योजना के क्रियान्वयन में खराब गुणवत्ता मानक प्रकलन के अनुरूप काम नहीं कराए जाने के पर सरकारी राशि के दुरुपयोग व कदाचार आदि से संबंधित दोष पाया गया है। फलस्वरूप प्रखंड विकास पदाधिकारी नोखा को आदेश दिया जाता है कि जांच में पाए गए दोषियों दुर्गावती दाया तट प्रमंडल चिनारी के कनीय अभियंता प्रभात रंजन, नोखा प्रखंड तकनीकी सहायक ज्योति चौधरी, नोखा पंचायती राज पदाधिकारी अमर पासवान, पंचायत की मुखिया आरती देवी, पंचायत सचिव राम प्रवेश पांडे, वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति की अध्यक्ष शारदा देवी व वार्ड सचिव चंद्रशेखर शाह के खिलाफ जांच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट btsc.nih.nic.in पर 6 अप्रैल 2021 को नेत्र सहायक, मत्स्य अधिकारी और मत्स्य विकास अधिकारी पदों के 584 पदों को भरने की घोषणा की है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार रिक्त पदों के लिए 5 मई 2021 तक या इससे पहले आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार बिहार तकनीकी सेवा आयोग की आधिकारिक साइट btsc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नवादा जहरीली शराब कांड मामला धीरे धीरे कई मोड़ लेने लगा है। अब तक माफियाओं के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब नगर थाने के चालक अभिनंदन का नाम सामने आ रहा है। उसकी दबंगई अंदाज से ड्यूटी का काला चिट्ठा खुल गया है। SP धूरत साइली सावला राम ने बताया कि इस मामले को लेकर सख्ती से जांच किए जाने के बाद नगर थाने के चालक अभिनंदन का नाम भी शराब माफियाओं में आया है। इसकी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि तत्काल प्रभाव से चालक को हटाकर लाइन हाजिर किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जहरीली शराब निर्माणकर्ता अरविंद यादव की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्य में एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में राज्य सरकार के निर्देश पर सभी विभाग ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। समाज कल्याण विभाग भी सरकार के गाइडलाइन पर काम करना शुरू कर दिया है। विभाग आंगनबाड़ी से जुड़े 1,17,06,000 लाभुक तक पहुंचेगी और सभी लाभुकों की स्क्रीनिंग होगी। इसके लिए सेविका व सहायिका डोर टू डोर घरों में जाकर रिपोर्ट तैयार करेंगी। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का डिटेल अलग से बनाएगी। वहीं लाभुक सहित उनके घर में अगर कोई बीमार हो तो उसका पूरा डिटेल बनाकर LS और CDPO को देंगी। साथ ही बीमार को हॉस्पिटल तक जाने में सहयोग करेंगी। इसको लेकर विभाग की ओर से दिशा निर्देश भी जारी करने की तैयारी हो रही है। हर PHC में जांच की व्यवस्था की गई है। जिन्हें जांच कराने की जरूरत है उनकी जांच वहां की जा रही है। डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने के बाद अगर कोई बीमार मिलेगा तो अस्पताल भेजेंगे। सभी PHC मेडिकल कॉलेज के प्रभारी अधीक्षक का फोन नंबर एवं ऑफर नंबर भी इन्हें दिया जा रहा है।
आज जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण का कार्य नहीं होगा, इसकी जगह नियमित टीकाकरण का कार्य इन इलाकों में होगा। वहीं शहरी क्षेत्र में कोविड टीकाकरण का कार्य अन्य दिनों की तरह जारी रहेगा। नियमित टीकाकरण के तहत बच्चों के विभिन्न तरह के टीके लगाए जाते हैं, इसकी जानकारी मंगलवार को जिला प्रशासन की ओर से दी गई। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कोरोना की रोकथाम एवं बचाव के लिए विभिन्न कोषांगों के अधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों आदि के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक हुई। राज्य में मंगलवार को कुल 1080 कोरोना के नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसमें पटना जिले में 486 नए संक्रमित भी शामिल है। मंगलवार को 8134 सैंपलों की जाँच की गयी। राज्य भर में 4954 एक्टिव कोरोना के मरीज है। कोरोना की वजह से आईसीयू में इलाज करा रहे मरीजों में पेट संबंधित परेशानी अधिक देखने को मिल रही है। 20-25% आईसीयू मरीजों को डायरिया और पेट में दर्द की परेशानी बढ़ गई है, जबकि 30% मरीजों ने उल्टी व भूख न लगने की संबंधित शिकायत की है। यह समस्या शहर के पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में देखने को मिल रही है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि पहली लहर में कोरोना के गंभीर मरीजों ने सांस लेने में दिक्कत अधिक देखने को मिल रही थी, जबकि दूसरी लहर में पेट संबंधित परेशानी बढ़ गई है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।